किसकी अवस्था है? आत्मा में अधम सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधन, ये पांच परनिष्ठि आत्मा की पवित्रता का नाम है, आत्मा की अवस्था है। तो ये पांच दशाएं प्रकट करने के लिए किसकी शरण जाना चाहिए? यदि मिठाई खाना है, मीठी चीज चाहिए, तो मीठी वस्तु जिससे वो मिठास प्रकट होगी, मीठी अवस्था प्रकट होगी। सोने से जैसे सोने के जेवर बनते हैं, जैसे आनंदमयी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण से परिणति में भी आनंद आता है। अपन देव पढ़ते हैं 9 नंबर का पेज निकाल, सभी के हाथ में हो तो अच्छा है। सारे भूत शुद्धात्मा सब पर भाव दर्शायो यह भेद जिन सांचे तारणहा शुद्धात्म साधक यहो गुरु निर्ग्रंथ महावस गाऊ सहज चौसठ रे विधान। सारभूत है यदि कोई विश्व में, षट द्रव्यमयी विश्व में, तो एकमात्र शुद्धात्मा है और वो भी अपना शुद्धात्मा क्यों है? सार किसी के, तो पहली कलश की टीका राजमल जी पांडे ने कहा, सार है यानी हितकारी, इस जीव को हितकारी है तो ज्ञान और सुख, सुनना, सार किसी का हितकारी दशा को सार का, तो हितकारी दशा क्या है? तो इस जीव को ज्ञान प्रकट हो और सुख प्रकट हो। तो फिर उसका विश्लेषण किया कि इस जाननहारे जीव को जगत को जानने पर ज्ञान भी नहीं मिलता है और सुख भी नहीं मिलता। फिर से जिस जीव को, जो जानने की नेचर वाला, इसे यदि अपन लौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, जगत को देखने की गुंजाइश रखते, देखते हैं, मन बनाते हैं, तो कहते हैं जगत को देखोगे तो वहां ज्ञान भी नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है और सुख भी नहीं है। फिर दूसरा उत्तर दिया, आत्मा को जानने पर यानी जाननहार को जानने पर क्या क्या मिलेगा? ज्ञान भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है। आत्मा में ज्ञान है और सुख है तो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि होने से नहीं मिलता है, गाय के थन में दूध होने से नहीं निकलता है, निकालने से निकलता, गन्ना की गड़ेरी में रस होने से नहीं निकलता है, आप दांतों से चबाते हो तब निकलता है। करेंट बहती है इसलिए प्रकाश नहीं होता है, जब आप बल्ब लगाते हो तब वो प्रकाश होता है। यानी आत्मा आनंदमयी होने से आनंद नहीं आएगा, आनंदमयी आत्मा में रुचि करोगे, अपनी लगेगी तो आनंद आएगा। करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं और बैंक का मैनेजर सब देखता है पर उसे आनंद नहीं आता, और उसे 1 लाख का वेतन मिलता उसमें आनंद आता है। 1 लाख के वेतन में आनंद क्यों आता है राजकुमार? क्योंकि वो अपनी राशि, और करोड़ दिख रहे उसमें आनंद क्यों नहीं आता? अपना पर नहीं, तो अपना निर्णय क्या हुआ कि आत्मा आनंदमयी होने से आनंद नहीं आएगा, उसमें अपना पन आएगा तो आनंद आएगा। और अपना क्यों नहीं लगता है? क्योंकि किसी गड़बड़ चीज को अपनी मानना, जहां करी करे देह में निज पिछा, जे जीव को एक गिने वैरातम तत्व बधा है। अपनी पंडित साहब बार बार कह रहे भेद विज्ञान करो भाई, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इससे काम नहीं चलेगा। मोक्ष अधिकार पढ़ना समय सार का, उसमें लिखा है कि प्रज्ञा श्रेणी से आत्मा दुधाकरण करता है, ज्ञान होने से दुधाकरण नहीं लगा, ज्ञान का प्रयोग करने से एक दो हो जाते हैं, एक के दो कि दो थे और दो दिखने लगे, सो वही दो थे
और जो दिखने लगे उसका नाम है भेद ज्ञान चल रहा। इसे भेद करना नहीं है, कुदरती पड़ा। शक्कर और नमक शिकंजी में कितना भी मिला दो वो मिलते ही नहीं, क्योंकि कोई द्रव अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ये विश्व की बहुत पॉजिटिव समाचार समझो आप, प्रसन्न होने का समाचार कि आज तक अनंत अनंत काल हो गया ये जीव शरीर के साथ रहते हुए भी जड़ नहीं हो रहा और जड़ शरीर आत्मा नहीं बन रहा। तो आचार्य ने ऐसे शब्द दिए, अब तो प्रसन्न हो जाओ। कितना शुभ समाचार जिन्हें देव के दरबार में अपन को सपने में अपन सोच रहे थे कि हमें तो कैंसर हो गया अब तो हम मर जाएंगे। चेहरे रात भर उतर रहा और जब सभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला, सॉरी जन साहब आपकी रिपोर्ट गलत हो गई, ये तो राजेश की है, आप तो राजेंद्र। तब बताओ सुनते ही अपने चेहरे में क्या होगा भाई साहब, सबकी फोटो खींचो, पहली वाली खींचो बाद वाली खींचो, क्या क्या हुआ कि गलत सिलेक्शन हो गया। ऐसे जिसमें कोई दम ही नहीं थी, जो जड़ था उससे अपन सगाई करेंगे तो मुर्दे से साथ रहेगी कहां से चैन पा जाए, और आत्मा से प्रेम करेंगे तो प्रेम का फल क्यों नहीं आएगा, इतने सिद्ध हो गए। तो ये पहली लाइन देखिए कि सारभूत यदि विश्व में कुछ है तो शुद्धात्मा। नमा समय सारा है, एक अपना समय सार को झुकना यानी उपाधेय मानना यानी अपना बनाना चाहिए, और असार को अनादि से चला रहा उससे हटना चाहिए। तो सब प्रभाव असार, पर द्रव्य तो पर द्रव्य है ही, पर द्रव्य के लक्ष्य उत्पन्न होने वाले प्रभाव भी असार हैं, दम नहीं अपने नहीं, ऐसा तो प्रारंभ किया पंडित जी ने। और फिर नीचे लिखा कि ऐसी शुद्धात्मा किसे पसंद आई, इसकी उत्कृष्ट आराधक कौन है, हमारे मुनीश्वर। शुद्धात्म साधक अहो गुरु निर्ग्रंथे महान, भक्ति वश गाऊ सहज राम। अब इस लाइन को पढ़ के पंडित जी राजकुमार मुनीश्वर किसे कहते, साधु किसे कहते, जो स्वभाव को साधे उसे साधु कहते, किसी परिभाषा। मुनि किसे कहते, जो स्वरूप का मनन करे, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, जो मन में होता है वो वाणी से निकलता है। तो मुनिराज अमृत पीते आनंद का अनुभव करते हैं तो जब भी मिलेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, हे जीव राजा तू तो अपने को भूल गया है, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, तू तो अभी भी सिद्ध भगवान के समान है, मन स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसे सिद्ध स्वभाव के साधक को साधु कहते। आनंद चाहिए तो आत्मा आनंद में ही उसे साधु, साधु यानी रुचि होना चाहिए, अपनत्व आना चाहिए। जैसा अपनत्व तुम्हें विषय के साधनों में आता है एकदम अवाउकरण होना चाहिए। अनादि काल की कुटे अनादि रूप व्यवहार मूल निश्चय अनादि, इंद्रिय के भोग जैसे मीठे लगते हैं पर रिजल्ट कैसा आता है, मधुर विषसम, और शरीर जैसा दिखता है लावण्यमयी, और है काय की नरक सी नगरियां मलमूत्र से भरा पड़ा। सोचना भाई अपन साधु को मानने वाले हैं, यानी साधु जिसे मानते उसकी मान्य। हमारे मुनिराज जंगल में रहते हैं और अपने मंगल स्वभाव में मगन रहते हैं, उनके सामने शेर गुजरता होगा, सियाल निकलता, रीछ निकलता, उन्हें डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये शुद्धात्मा शाश्वत तत्व, ये अनादि अनंत तत्व, इसका विनाश नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, इसका मरण नहीं होता। अरे चौथे गुरु स्थान वर्ती तोरणमल जी और दीवान अमरचंद जी की कथा अपन सुनते हैं कि दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में कैसे घुस गए होंगे। कल्पना करो आप, शेर के नाम से डर लगता, अभी कोई कह दे कोई वृद्ध माता हो ना, वो कहे तुम भगवान उठा ले, मर तो जाते, और एक कागज का सर्प डाल दो उसके पीछे तो कहेंगे बचाओ बचाओ। अरे हमारे दीवान अमरचंद जी तो शेर के पिंजरे में 3 दिन के भूखे शेर के पिंजरे में जा रहे हैं तो डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनकी ऐसी नाक खुल गई है द्रव्य दृष्टि कि वो शेर नहीं दिखता जीव दिखता, अपने को भी जीव देखते हैं और उसे भी जीव देखते, तो डर काहे का,
हमको कछु भय ना रे, हम जान लियो संसार, हमने संसार का स्वरूप जान लिया, हमें कोई डर नहीं। ऐसे शुद्धात्मा के यानी आनंदमय आत्मा के यानी ज्ञान स्वभाव के यानी प्रभु के साधक को साधु कहते हैं। महासुखी व्यक्तित्व का नाम मणिराज। यह सुखम न देवराजस न सुखम चक्रवर्तनी, यह सुखम वीतरागस मुनेरे कांत वास। मुनिराजों को जो सुख होता है वो चक्रवर्ती और भू भूमि जीवों को भी नहीं हो सकता। काय का सुख है, सुख स्वभाव का है, कसाय का अभाव है, स्वभाव का आनंद भोग के ऐसी दशा को कहते साधु। शुद्धातम साधक हो ऐसे गुरु पंडित साहब ने बताया था। निर्गंतता का ये नहीं समझना चाहिए कि कपड़े उतर गए तो नहीं, अरे गांठ खुल गई, गांठ लगाने का राग तो गांठ लगा तो अपनी भी अपने भूमिकानुसार गलती खुल गई। चैतन्य रिद्धि में तृप्त रहे मन, रिद्धियों की कुछ चाहे नहीं, तप के प्रभाव प्रगटे सहज, फिर भी किंचित परवाह नहीं। ऐसी ही निष्प्रहता प्रगटे पूजन करते हरसाए हैं, शुद्धात्म साधना करने को हम शरण शरण में आए। कौन सी रिद्धि सर्वश्रेष्ठ 64 रिद्धियों तो एक भी रिद्धि का नाम ही दिया। कौन सी रिद्धि है जो सबके पास है चैतन्य स्वरूप, आपको वो रिद्धि तो तपश्चरण से साधना से प्रकट होती है, वो मुनीश्वरों को प्रकट होती है, वो चाहते नहीं और मिल भी जाए तो उसका वजन नहीं। सोचना भाई, विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्रकट हुई और जिस समय हमारे साथ तो मुनिराजों पर अवसर हुआ और एक संत ने कहा कि विद्याधर तुम चले जाओ छुल्लक, उनसे कहना कि आपको ये रिद्धि प्रकट हुई, आप ही समर्थ हैं मुनिराजों की रक्षा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे रक्षा कर सकता, उन्होंने कहा आपको रिद्धि प्रकट, यानी रिद्धि प्रकट है उन्होंने मान, समझ में आए क्या कह रहा, रिद्धियों की उपयोगिता उनको नहीं है, किस नहीं क्यों नहीं। चैतन्य रिद्धि में तृप्त है, चैतन्य रिद्धि क्या कहलाती है, अपने को चैतन्य परमेश्वर देखते हैं, भोगते हैं, आनंद में मगन रहते हैं, ये रिद्धि विश्व में आत्मज्ञान के बिना प्रकट है। अष्ट महादि अष्ट सिद्धि तो हो ज्ञान, अज्ञानी को भी बहुत सी रिद्धियां हो जाती है परंतु उससे जीव सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो वहां होगा ना जब सुख स्वभावी आत्मा की रिद्धि में मगन होगा तो सारी रिद्धियों का रस उड़ जाए। हमने लैपटॉप खरीद लिए, मोबाइल खरीदे, इसलिए तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म बंध रहे और उन्होंने आत्मा खरीद ली तो उनके ज्ञानावरणी खत्म हो रहा है और रिद्धियां प्रकट हो रही। जितना अनुकूलता से ढेर लगाते जा रहे हैं उतने हम आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। चैतन्य रिद्धि में तृप्त रहते हैं और बाहरी रिद्धियों की कोई परवाह नहीं करते हैं, तप के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट करती नहीं है, सहज होती है और हो भी जाए और न हो। एक 80 वर्ष के मुनि को अवध ज्ञान नहीं हो और एक 8 साल के बच्चे को केवल ज्ञान हो और दोनों आत्मज्ञानी, एक केवल ज्ञानी भी पूर्ण ज्ञानी है और एक सम्यक ज्ञानी भी ज्ञानी है, और 8 वर्ष के बच्चे को केवल ज्ञान और 80 वर्ष के वृद्ध मुनि को अवध ज्ञान नहीं है और उनसे पूछा कि महाराज जी आप क्या कर रहे हो, आपको तो केवल ज्ञान नहीं है, अवध ज्ञान क्यों, ये चाहिए किसी मने पर चाहिए कर, हम किसी के मन की बात जानेंगे तो हमें मिल के जाए, अवध ज्ञान अवध ज्ञान से पुद्गल के ठाट बाट देखेंगे तो उसमें मुझे क्या मिले, यानी परवाह ही नहीं है कि चाहिए। और जिन्हें प्रकट हो जाती है केवल ज्ञानियों को, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनसे पूछें कि हे केवल ज्ञानी भगवान आप अपने को केवल ही देखते हो कि आत्मा देखते हो, तो बताओ उनका भजन कहां। सम्यक दृष्टि जीव अपने को आत्मदृष्टि वाला देखते आत्मा मानता है तो उसका श्रद्धा सही कहला, और वो अपने को सम्यक दृष्टि देखे तो पर्याय में था। तो क्या कह रहे,
ऐसी निष्प्रही वृत्ति के धारी हमारे मनीषर हमें मिल गए, हम इनकी पूजन करते हर्षित होते हैं कि धन्य प्रभु आपकी निष्प्रयता, रिद्धियां आपके पीछे पड़ी है, पर आप अपने को आत्मा देखने के पीछे पड़े हो, आत्मा इतनी रिचकर लगी कि इन रिद्धियों का बढ़पन नहीं आता। अपन को तो थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो जड़ता में क्यों प्रभुता देखने लगती, किसी भी आत्मा देखी नहीं इसे निवातम अनुभव आवे तो और कुछ तो इसका रस आए तो फिर जीव की जड़ रस मिट जाए। अभी देखो अपन को जय माला पढ़ना है, पूजा तो पूरी चार लाइन ये भी पढ़ते हैं। जग से हो उदास मुनि सर बन गए, साधत शुद्ध स्वरूप परम निर्भय गए, विषयों की आशा भी जिनकी नहीं रही, धनी रत्नात्र रूप साधु पूजों से, हम आ गए हम आ गए हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का पा गई। यानी कहना ये देव सात गुरु महान सात से पुण्य वाली को मिलते महाभाग्यशाली। ये पंडित जी साहब तोड़ में जी लिखा है कि जिसकी बहुत भाव बाकी हो उसे कुगुरु को देव का योग बनता है, जिसके भाव का किनारा निकट आ जाता है तो उसे सच्चे मार्गदर्शी सच्चे देव सात गुरु मिलते हैं, परंतु मिलने पर भी यदि वह उनके मात्र कहे हुए व्यवहार तत्व से ही श्रद्धा नहीं रहता है, परमार्थ नहीं समझता, तो मिलना नहीं मिलना बेकार है। अभी क्या कहा, हमारे मुनीश्वर जग से उदास होकर के मुनीश्वर मुनीश्वर हुए हैं, नीलांजना का नृत्य देखा तो वैराग आया, ऐसा अपन प्रतिमान युग में पढ़ते, पशुओं को बंधन में देखा तो वैराग आया, हमेशा पढ़ते हैं शास्त्र। सच्ची बात यह है कि वैरागी को वैराग बढ़ता है, जिनका चित्त पहले ही से विरक्त है, और विरक्त किसे कहते हैं, जिनके अनुकूलता नहीं है और वो चाहते हैं शोक ग्रस्त संतप्त व्यक्ति, और जिन्हें अनुकूलता तो बरस रही हो और उसमें सुख नहीं दिख रहा हो, चित्त उससे फट गया हो हट गया हो, उसे कहते हैं उदासी। आसी ऊंचे होकर बैठते हैं, ज्ञाता है हर स्थिति, ऐसे उदास हुए हैं जगत से, जगत से उदास हुए हैं, जगत से सुख बुद्धि छूट गई, जो प्रयोजन था ना जीव का कि हम सुखी कैसे हो, तो सब जीव की यही सोच रहती है कितने दिन से पूजन पाठ कर रहे हैं, कुछ अनुकूलता मिलना चाहिए, भगवान की कृपा होना चाहिए, कि भगवान की कृपा तब कहलाएगी जब तुम्हारी दुकान बंद हो जाए, तब कृपा कहलाएगी। तुम चाहे देखो रविवार को पार्श्वनाथ को पटा ले अपन और कुछ प्रसन्न हो जाए, तो समझ लो आप भगवान पार्श्वनाथ की वितरकता से प्रसन्न नहीं हो, आपकी शर्त है जो आपको पार्श्वनाथ देखने की, समझ में आएगी। उदास यानी जिसे विषयों में सुख की आशा नहीं रही, मुनिराज के तो लक्षण लगे मेरी भाव, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। पंडित साहब की विशेष है कि जैसे अभी मुनि का स्वरूप बताया उसके बाद ये वाली भी बात है, रहे सदा सत्संग मुनि का, ये पंडित जी की विशेषता, यह देव ने और आत्मा भिन्न ऐसा पढ़ लिया, ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो प्रकृति के धर्म, परंतु देव में नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये तुम्हारा प्रसाद, थोड़ा सा पंडित जी अपन को जगा रहे,
तुझे आप बार बार कितने बार कहोगा वेद विज्ञान वेद विज्ञान वेद विज्ञान। जगत से उदास यानी विषयों की वासना सुख अभिलाषा नहीं रही, विषयों में सुख की अभिलाषा ही मूल है। बताए मनीषर हो गए यानी संसार में सुख नहीं देगा, इसलिए तो ये नास्ती से मैं कहां सुख देखा, क्या आत्मा है ना आत्मा। और ये नया शब्द है, अभी डॉक्टर साहब भरत इतना सुंदर लेक्चर दे रहे थे तो हम सबका अटेंशन देख रहे थे कि कितने प्रेम से सुनते, पानी पीना चाहिए, भोजन ऐसा करना चाहिए। हमने कहा कि ये सम्यक दर्शन शरीर वाला सबको हो गया, तो आत्मा वाला सम्यक दर्शन जब कहते कि आत्मा हो भगवान हो, कि आप कहते तो निश्चय नहीं से बराबर, पर अभी सोचेंगे रुचि जगाओ प्रेम जगाओ, देखो जिनेश्वर की मुद्रा, देखो मुनीश्वर की मुद्रा, इनके स्वरूप पढ़ो, आप फैदा हो जाओ, ऐसे लगे हमें भगवान मिले। एक मुनिराज का नाम लो तो ऐसा लगे केवल ज्ञान की तलैटी में विराजमान है, एक ऐसा करेंगे और अभी केवल ज्ञान आता है, इतना उत्कृष्ट मुनि। नियम सार में जैसा लिखा है कि जो केवली में और मुनिराजों में अंतर डालता है उसे जड़ बुद्धि वक्त परिणाम, अभी उसे समझ में नहीं है तो भगवान है। चलते फिर चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में सीधे झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। ये मुनियों को नमस्कार करें, यानी वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, इसका नाम है मुनिराज प्रसन्न। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर वाले आए थे अमित जी, क्या नाम प्रद्युम्न जी, तो बोले कि करोड़ों व्यक्ति क्रिकेट देखता, तो बता आप क्रिकेट के प्रेमी कितने, तो जब देखते तो सभी हो गए अरे धोखे में नहीं है। क्यों कि जो बल्ला और बाल खरीदे और हाथ से उठा के ऐसा चलाए और देखे वो है क्रिकेट का प्रेम, देखने वालों को प्रेम ही नहीं समझ जाए, ऐसे ही समय साथ सुनने वाले इतने बढ़ गए कि नहीं ऐसा नहीं समझ जाना भाई साहब, जो जाके यहाँ से देखे आंख बंद करके आंख खोल के सांस देखे मुद्रा देखे भगवान देखे पूछे कि हमें आत्मा क्यों नहीं दिख रही, समझ लो कि आप इसकी होना रहे। ओ मुझे तो इन बातों की खबर न थी, कहे तो ये बात गजब की आ गई। साधक शुद्ध स्वरूप परम निर्भय भई, देखो निर्भयता का आधार अपने आत्मा वज्र का तत्व है, इसका कभी स्वरूप बिगड़ता नहीं, इसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का नुकसान कर दे अहित पहुंचा दे ऐसा उसमें नहीं है, उल्लंघन नहीं होता मर्यादा का, इसलिए आत्मा अनादि से नरकों की चोटें खा करके ही पूरा आत्मा गया। पंडित साहब ने कहा था पूरा ग्रंथ पूरी गाथा पूरी लाइन पूरा सब और तेरा आत्मा भी ऐसे किया, अपना स्वभाव का कभी बिगाड़ नहीं होता है, उसको देखते देखते ऐसी जंगल में रहती होता अपन तो बिना दरवाजे के रात को नहीं सो सकती, मकान छत पे कोई कहे कि 2 बजे रात को चले जाए तो बीपी इतना लो हो जाए कि कहो अस्पताल जाना, और यहाँ तो जंगल में बिना दरवाजे के और सामने ऐसा शेर घूमता रहता है और ये भी शेर बड़ी घूमते कुछ असर नहीं पड़ता, काय का बल है। आदत शुद्धार्थ स्वरूप ऐसा सोचो तो अब शुद्ध स्वरूप देख इसकी इतनी महिमा गई, विषयों की आशा नहीं, जो 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 हाथ कौन फैला कौन बाहर देखता, भगवान को कुछ चाहिए कोई देने वाला है किसी से मिलने पर भी हम रखेंगे काम उसमें सुख नहीं, ऐसे रहस्य खुल गए हैं तो उन्हें क्या। हमारी बहू जी चली गई होगी, वो कहते थे अशोक जी बता शूद्र के घर का कौन सा सामान आप लोगे, पानी पियोगे कि चटाई पे बैठोगे कि थाली के गिलास उसके फलफूल क्या है, शूद्र के घर का ऐसे जड़ पदार्थ जो नाच रहा है इसमें से किस जड़ का चुनाव करें जो आपको सुखी कर सके, तो इसलिए उदास हो गए कुछ जरूरी जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साथ। अपने यहाँ तो बात बात में सिखाया जाता है, हमारे यहाँ कामना पूर्ति का दरबार नहीं है, कामना के अभाव का तो मंदिरों में ये लिखा मिलता है कि भड़काते हैं ना लोग मुंशी वृद्धनाथ की कृपा से तुम्हारे शनि उतर जाए, जब शनि लगते ही नहीं तो उतरने की जरूरत, इतना
कितना उत्कृष्ट दरबार आया, पर कितने भागशाली है, जैसे भगवान को की छाया में बैठे ऊपर अनंत अनंत सिद्ध भगवान, नीचे सिद्ध दुर्गत भगवान और अपना सिद्ध सर। क्या कहूं ऐसे मुनिराजों के प्रति भक्ति आती है और आना चाहिए, क्योंकि जिस जीव को जो पसंद आता है ना वैसी भावना चल रही, कब ऐसी निर्गत दशा। संत साधु बन के देखो वरगड़ी कब आएगी, चल करूंगा मोक्ष पथ में वरगड़ी कब आएगी। ऐसी भावना निरंतर साधक को, कोई घरों में रहना नहीं चाहता उसे ग्रस्त कहते, जो घर में ही संतुष्ट उसे ग्रस्त नहीं कहते, वो तो जेल में पड़ा, निकलना चाहता उचटना चाहता। हाथ में पीछे कमंडलो ध्यान आ राम का, क्या रहना चाहिए लैपटॉप और मोबाइल के पीछे कमंडल। किसी ऐसे अभी कहाँ गए थे गिरधर पर, तो जो बहने परोस रही थी उनके एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में पर्ची। एक भाई से पूछा उसके पति ने कि देवी कहाँ जा रहे हो बाथरूम नहाई के लिए, ना नहीं तो मोबाइल हाथ में, कि जितनी देर में पानी भरेगा उतनी देर हम क्या करेंगे, जी देर दो कैसे रहे। कैसा ये दास हो गया, ये भगवान बनाना चाहते। तीन नंबर है ज्ञान, भवितन भोग विरक्ति अति ज्ञान ध्यान तपनी श्री मुनि के गुण गावते पाप सहज भोछी, पाप सहज भोछी जिन राज सम मुनि राज देखो परम मंगल रूप है, धर्म की साक्षात मूल जगत माई अनूप है, चौक ही है तीन नासी पाप परिणति परिहरी, गौण है सुदो कयोगी भेष। कैसे हमारी मुनिराज, चाहे भगवान को देख लो और चाहे भगवान के भगत को देख लो, दोनों की अंतर्मुखी मुद्रा होती है, दोनों का रत्नात्रय एक की पूर्णता हो गई है, एक की साधक दशा चल रही है, पर दोनों को अवलंबन किसका। हमें लिए प्रवचन 7:33-34 का, श्रुत केवली श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञायक को जानते, इसलिए श्रुत केवली, और केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से केवल ज्ञायक को जानते इसलिए केवली। दोनों ने जाना किसे, ज्ञायक को, तो दोनों का आत्मा एक सा है कि दो प्रकार का, तो दोनों को एक सी वस्तु मिली है, एक ज्यादा मगन है और एक ज्यादा मगन नहीं हो पा रहे, अंतर स्वभाव में रंच नहीं, आनंद के भोगने में अंतर नहीं। तो क्या सुंदर शब्द दादा, जिनराज और मुनिराज में तुझे ध्यान में देखोगे तो एक से दिखे परम मंगल रूप। अरे जिनका नाम लेना भी मंगल है, अरे जिनके नाम लेने से भागते सुंदराचार्य जी के नाम लेते हैं हम एकदम रोंगटे खड़े होते, विदेश क्षेत्र की सीमंदर भगवान ने याद करते कैसे जीव होगा, किसी धुन सवार हुई थी कि हमें तो भगवान की ग्रह में अच्छा नहीं है, ये किसी देश में आ पड़ा भगवान, सर्वज्ञ का ग्रह आपके ग्रह में मैं रहूं कैसे, भक्ति का भाव हो मरा, जानते तो सब है कि पंचम काल में जन्मे जीव को सर्वज्ञ काम है, भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ का ग्रह है, विदेश क्षेत्र में सर्वज्ञ का ग्रह कभी होता नहीं, तो शरीर है भरत क्षेत्र इसमें सर्वज्ञ का ग्रह है, और आत्मा है विदेशी इसमें भगवान का ग्रह कभी होते, शाश्वत विद्यमान है भगवान। तो यहाँ अमृतचंद देव है और वहां कुंदकुन देव, महापुरुष थे अपन को महाभाग से मिले,
जिनेन्द्र देव को देख लो, चाहे मणिराज को देख लो, दोनों मंगलमय यानी पवित्रता की पराकाष्ठा, अनंत सिद्ध दशा में और पवित्रता का निरंतर वेदन करने वाले, क्योंकि अमृत चंदेव स्वयं कहते सतत मन भाव नंद चैतन्य चिन्ह कहां तो तीसरी कलश में कहते मेरी परिणति मेरी हो रही विनय प्रारंभ कर रहे समय सार की टीका से परम विशुद्धता को प्राप्त। और जब बीसवें कलश में पहुंचे तो बोली कि आपका परिचय तो दो प्रभु, सदद मनुभाव अनंत चैतन्य चिन्हम नकल नकल यस्माद अन्यथा साधसे, निरंतर आत्मा का अनुभव करते हैं तो जब हार लेते तब क्या करते महाराज कि तुम देखते हो हार की क्रिया और हम लेते निराहार के आनंद, तुम्हें शरीर की क्रिया दिखती है और हमें आत्मा की क्रिया, उनकी तीन कसाय का अभाव वाला आनंद एक समय भी बंद नहीं होता, जब भी छठवी में भी आते हैं तब एफडी की रकम है, चाहे बारिश हो और चाहे गर्मी पड़े कुछ हो ब्याज आपका रात में चलता है। ऐसे ही मुनिराज की पवित्रता का आनंद भी 24 घंटे रोकते हैं, कभी संजमन की तीव्रता में छठवा, कभी मंदता में सातवा, परंतु देखना उनका नाम क्या है, दुविधि संग बिन शुद्ध उपयोगी, नाम उनका छठवे में आने से शुभ उपयोगी नहीं हो जाता, नाम शुद्ध उपयोगी ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वह छठवे को चाहते नहीं कि इसमें रहना पड़े, और तैयारी छठवे में रहने पर ही सातवें की करते, इसलिए उनका नाम क्या शुद्ध उपयोगी, जो नाम लिया पंडित शुभ परिणति भी गौण है शुद्ध उपयोगी विस्तर। दौलत राम जी ने भी लिखा द्विधि संग में शुद्धोपयोगी, मुनिराज के 24 प्रकार के परिग्रह नहीं रहते हैं, इनका नाम है शुद्धोपयोगी परिग्रह 24 भी करे मुनिराज जी, तृष्णा लाओ घटती ज्ञान घटाई, एक जरा सी चाय लंगोटी की, एक लंगोटी भी रहे तो उसके प्रति मूर्छा हो तो पूरा बाजार था, और मुनिराज को कुछ भी नहीं चाहिए, चाय नहीं चिंता नहीं मनवा भी परिवार, जैसे शुद्धोपयोगी मणि भगवान है, तीन तीन कसाय इनकी निकल गई है, साक्षात धर्म की मूर्ति है, रागादि से न्यारा निजातम पूर्ण ज्ञायक अनुभवे अनुभव सोते सुधामय जिनके वचन ब्रह्म गए सोहे महाव्रत पंच समति पंच पंच धीरे सड़ावश्यक निखारे सत्गुण भी है। किससे न्यारा देखते हैं अपने को, देसी न्यारा तो जगत कह सकता है, पर जो परिणाम परिणति में होते हैं वे भी आत्मा नहीं है, आत्मा के कल्याण में साधन नहीं है, अनात्मा। राजा जी से न्यारा अपने आत्मा को देखते हैं, कैसा देखते हैं, पूरा ज्ञायक अनुभव करते हैं, और उनकी अनुभूति जो आनंदमय अमृतमय है जन्मती है प्रतीक्षण, और फिर उनके वचन कैसे निकलते हैं मुनिराज, जगे आहिते हरे सब सुहिते कर श्रुते सुकरे सब संसरे रमे रोगे है जिनकी वचन मुख चंद्र ते अमृत हरे। जो मोह के पास बैठ जाओ तो मोह की चर्चा से तुम्हारा माथा भर जाए, निर्मोही वितरागी के पास बैठ जाओ तो वैराग से हृदय भर। आप देखो जरा कौए की संगति करो और एक हंस की संगति, समझ में आया भैया, ये मुनि भगवान बहुत सुखी भगवान है, अपन को यदि वेश ना देखे तो साक्षात भगवान है मुनिराज। अभी कहते हैं ज्ञायक को अनुभव करते हैं इनके वचन कैसे निकले, भैया घबराना नहीं, जड़ द्रव्य से तेरा आत्मा शाश्वत निराला है, कभी जड़ रूप नहीं होता है, बंधन के काल में तू अवध है, चारों गतियों में रहकर भी चारों गतियों से निराला है, रागादि होने पर भी असंयुक्त है, गुणभेद होने पर भी अभेद है, पांच पांच बोलने की
जो पश्चदी अपाड़म अवध पठम अनन अविशेषम अवदेश संत मध्यम पश्चदी जन शासनम, उसने अपनी आत्मा को कर्म के होते हुए भी निष्कर्म देख लिया, अकर्म देख लिया, अवंध देख लिया, इसकी गहरी प्रज्ञा। उदाहरण देते चंदन वाला कि चंदन वाला जिस समय बेड़ियों में बंधी थी उस समय वो महावीर स्वामी के आहार देने के लिए दौड़ी थी कि नहीं, दौड़ी थी कि नहीं, तो बंधा व्यक्ति कैसे दौड़ सकता, कौन उत्तर देगा? दीपक भाई बंधी थी कि नहीं? जेठानी ने बाल भी मुड़वा दी, बंधन में भी डाल दिया, बीड़ी डाल दी और बंधी थी और दौड़ रही है। हमारी समझ में नहीं आ रही बंधन में बंधा व्यक्ति दौड़ेगा कैसे, तो क्या बताया कि बंधन तब तक बंधन है जब तक मैं बंधा हूं, ऐसी अनुभूति है, और अबंध की अनुभूति होते ही बंधन भाग जाता। चंदन वाला को मुनि भगवान दिख रहे थे, बेड़ी नहीं दिख रही, तब बेड़ी टूट। मानसम स्वामी को बेड़ी दिखती तो सामायिक नहीं कर पाते, आत्मा दिखती थी सामायिक होती थी बेड़ियां बाहर। समझ में आ रही है बंधन से निकलने का उपाय, बंद के काल में अपने को बंद देख सकते हो आप, क्योंकि आपके पास प्रज्ञा है। और ऐसे मुनि भगवान पांच महावर्ष से सोखते, अशुभ की तो सत्ता का जिनकी सर्वथा अभाव है, जो वैरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके धूप योग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन से जैसे अनंत भगवान सुखी हुए चतुष्टय की धारी है, ऐसी तो हमारे मुनि राज तो लिखा कि ये आपके महाव्रत आदि, इसमें भगवती आराधना में दूसरा अध्याय चालू होता है ना, उसमें लिखा ये महाव्रत आदि पंडित महाराज का ये महाव्रत आदि महापुरुष महान सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान है। कैसे शब्द डाले अपने से, मैंने ये तो सुना है हे, पर ये भी तो देखो पाप से बचाने में जाली का काम कर, ये प्रतिज्ञा में जी रहता है तो नियम से अनुशासित रहता है, परिणति बाहर नहीं भाग सकती पर सीमा में रहता है। ये भी पहले ऊपर ने देखा कि राग और बंधन, परंतु ये विषय से बचाने वाला एक प्रयास है और भीतर स्वभाव में ले जाने के लिए अवसर है। बाह्य त्याग से पंडित साहब के शब्द निर्वृत्ति मिलती है और अंतरंग त्याग से शुद्धि प्रकट होती, आनंद प्रवृत्ति होती है। जैसे डॉक्टर भरत बाह्य त्याग पांच पाप छोड़ो तो उतना हल्कापन रहेगा, आपने कहा ना कम खाओ तो देखो गैस नहीं बनेगी, जगह रहेगी पचाने, अब इतना ज्यादा खा लिया कि डॉक्टर बोले हाज बोला खाओ के साथ इतनी जगह होती थी एक पेड़ नहीं खा लेते, इतनी तृष्णा वाले व्यक्ति को कौन सुखी करता। भगवान पांच महाव्रत की धारी सम्राट है, पाप को लात मार दिया, पेट में तिलक करके आए सुखों से, कितनी ताकत होती, किस बल से भरत चक्रवर्ती ऐसा बोल के निकला हे रानियो तुम्हारे कारण से नहीं रुका था, मैं अपनी कमजोरी से रुका था, पर आज जा रहा हूँ तो तुमसे द्वेष करके नहीं जा रहा हूँ, मेरा आत्मा मुझे खींच रहा, ये बैराग इतना प्रचुर है कि मुझे टीका लगाने का भी कार्य बड़ा भार देखा, अरे खींचने को कैसे करके बुलाया। कैसे महाव्रत से पांच शांति से पांच इंद्रिय से आवश्यक नग्नतानी सात शेष गुण, इस तरह से मुनिराज का बाह वैभव और अंतरंग लक्षण सहज दश सोहति अति शांत मुद्रा निमें जिनकी निरख भवि मोहति क्रूर पशु भी शांत होवे दर्श कर आनंद से उपदेश सुन निज बोध पावे कुकृति। मुनिराजों के गुण गाए जा रहे हैं, अरे मुनिराज आ जाते हैं तो रत्न बरसते हैं, तो फिर उनके भीतर कैसे रत्न छिपे होंगे, जब उनके आने पर रत्न बरसते हैं तो भीतर क्या अपना तरह का खजाना है, बाहर से मलिन दिखते हैं और भीतर से पवित्रता की खदान, बाहर से भूखे से दिखते अंधेरे में बैठे दिखते और भीतर से तृप्त तृप्त रहते,
मुनि को भी पहचान लतूर नहीं रहेगा। यदि तुझे देव सास गुरु की पहचान हो गई तो आत्मा की पहचान हुए बना नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों का पेट काल है। तो हमारे मुनिराज के पास उत्तम समाधिक तो गजब के 10 लक्षण प्रकट हो जाते हैं। एक नाम है समता, उसी का एक नाम है वितरकता, बाहर से चिन्ह ऐसे 10 दिखने लगते हैं। अब मान काय पे कर, मानकरण को कौन ठिकाना, ये तो जड़ता, इसके प्रति जबरदस्ती अपन राजा बाबू बने थे, इसे मट्टी में मिल जाना, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, साथ में लाना कुछ तो साथ क्या ले जाएगा, सब जड़ कुछ गलती लीला। ऐसी 10 धन के धनी है, क्रूर पशु भी 500 कुत्तों को छोड़ा श्रेणी महाराज जब मुनिराज को नहीं पहचानते, और वो भी यशोधर मुनिराज के चारों तरफ बैठ गए। क्यों हो गए शांत, के शांत पुरुष के पास परिणाम शांत होते, महामंडल में ऐसा तेज होता है। हमें पंडित जी मिलने जाते ना तो सोच के जाते ये प्रश्न पूछेंगे, और वहां प्रश्न पूछने की भावनी खत्म हो जाती, बस देखते रहो तो तृप्ति सी होती, अब पूछने की जरूरत नहीं। परिणति शांत होती, एक मुमुक्षु आ जाए डॉक्टर साहब और आपकी श्रीमती लड़ती हो और मुमुक्षु भर खड़ा हो जाए, फिर लड़की बता दें आप तो सज्जन पुरुष। उपदेश सुनकर के पशु भी बोध पाते हैं, इनकी अच्छी होनहार है, उनको अच्छा लगता है। बस पढ़े लेके अपना टाइम हो गया। देवांगना देख सन्मुख मन न चंचल हो कदा, नीन निज में तृप्त निज में निष्कलंक रहे। एक कथा याद आई कीचक की, कीचक ने जैसी द्रौपदी को देखा, विराट राजा के यहाँ अपनी रानी की चोटी बांधती, मालिन का काम कर रही थी, भीम रसोइये का काम करता, जैसे पांचों भाई काम करते थे, तो विराट राजा के यहाँ विराट राजा का साला कीचक आया अपनी बहनों से मिल, और द्रौपदी देखी और परिणाम बिगड़ गए। और द्रौपदी को बुलाया, भीम ने उसे इतनी पिटाई लगाई कि उसे सम्यक दर्शन हो गए। मुक्का खाए भीम को कीचक, सम्यक दर्शन धारो निमित्तन को कछु न पतला। खान कवि ने 200 वर्ष पुराना भजन सुन लिखा कि वो पिटते पिटते से तत्व विचार हुए कि मेरी बुद्धि को भूक आ गया, क्षत्रिय अग्नि मुनिराजों का भगत मेरे लिए तो बहन थी, मेरे परिणाम क्यों बढ़े, और जाकर के उसने दीक्षा ली ऐसे प्रसन्न, और बाद में केवल ज्ञान हुआ। तो जब वो मुनिराज थे उस समय वो जो देव था उसने कहा अब देखें इनके परिणाम कैसे हो, तो वो द्रौपदी के रूप बना के आया कि देखो उस समय तो हमने मना कर दिया था, अब आपके परिणाम कैसे हो, हम आपकी पत्नी बनने थे, ऐसा ध्यान लगा कि बेटे उसी समय की बोल रहे, तो वही समझ नहीं आया क्या कि किसे कहते मनी क्या कहलाता, आत्मा का आनंद क्या है, संसार की छल प्रपंच जीव कैसा पड़ा हुआ है, कभी सोचे तो इनका नाम लेते हर्षित तब सुचि ज्ञान संयम उपकरण छोड़ कर कुछ भी कभी होवे न परिग्रह लेश भी स्वाधीन व्रति। देखो अपन भी मुनिराज का जीवन बर्बाद ना करें, उनको महंगी जाप दे देते हैं, उनको घड़ी दे देते हैं, उनके बहुत ज्यादा ग्रंथ रख देते हैं, उनको पेन अच्छे अच्छे देना चाहते हैं, यानी उनको आकुलता में डालना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता स्वाधीन जी उसे क्या देखना है कि इतना पढ़ना है कि किस घड़ी की जरूरत है, उनको 24 घंटा सावधान है वो जो। तो अपन भी उनका जीवन बर्बाद ना करें, ये भी अपनी जिम्मेदारी। तो 3 उपकरण बताए, एक पिछी और एक कमंडल और एक जिन्मा, बस एक जिन्मा पिछली काय के लिए जीव की रक्षा संयम के और कमंडल स्वच्छता के लिए, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो परिचय समभाव है सबके प्रति संतोष है ध्यान में इंद्रादि पूजे वे मुनीश निकल पात्र।
प्राप्त उनकी संगति हो असंग पर साधे हो भावना यही सफल हो इंद्रादिक जब मुनीश्वर को देखते हैं तो उनका माथा ऐसा झुकता है उठता है। अरे चक्रवर्ती थे वास्तव में तो ये जीव जीव है जो अपने आनंद भोग रहे हैं इतना। अरे जब इस समय जनेश्वरी दीक्षा का प्रसंग आता तब वो इंद्र ऐसा झोली फैला के कहता हे मनुष्यों मुझे अंतर्मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय दे दो। मेरा 32 लाख विमान का वैभव जिसमें एक एक विमान में असंख्यात देव हूँ वो सब ले लो परंतु मुझे थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर्याय दे। अपन मनुष्य मर करके देव होना चाहते हैं वे देव आना चाहते हैं मनुष्य पर्याय समझ में नहीं आता कौन बड़ी इंद्रादिक पद नहीं चाहूं नहीं। सोचो जब आप ऐसी जगह आए हो कि जहाँ से पंचम गति प्राप्त करने का मंगल हो कुंडल जी के साथ की भाषा है अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ चुका ऐसा बैराग ऊपर नहीं होता क्योंकि वहाँ अनुकूलता प्रचुर ये मनुष्य पर्याय में जैसा बैराग और तत्व ज्ञान का अवसर है जैसा त्रियंच में भी नहीं है नरक में भी नहीं और देव में सिर्फ एक पर्याय ऐसी है जहाँ विराग विरक्ति के भी बहुत प्रसंग है और तत्व ज्ञान के भी बहुत छोटी आयु है उदय बहुत विचित्र है तो आप अपना ज्ञान का इसका सदुपयोग करेंगे जैसे मुनीश्वर दशा भविष्य में अपनी दो लाइन अंतिम है मुनि वर गुण गावे मुनि पद भावे मन में अति है सावे भव गोविंद चाहे निज पर ध्यावे अजर अमर शिव पद पावे पूजत श्री मुनि रा पावे शिव पद मुनि मार्ग में जो चले ऐसी पवित्र मुनि दशा हमारी और आपकी सबकी प्रकट हो।